किए 3 दिन में 700 चालान। सितारगंज नगर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने व सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देशन पर सीपीयू व पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 दिन में ही 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के लगभग 700 किए चालान। 15 बुलेट मोटरसाइकिलें जिसमें राइड्रो सलेंसर लगे होने पर ध्वनि प्रदूषण के तहत की गई सीज। वहीं सीपीयू के आने से 2 पहिया वाहनों में हेलमेट व 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने से सड़क दुर्घटनाओं में भी आएगी कमी। सितारगंज नगर में 1 सप्ताह के लिए आई सीपीयू पुलिस से 2 पहिया वाहन चालक व 4 पहिया वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस व सीपीयू की संयुक्त टीम ने 3 दिन में ही लगभग 700 वाहनों के चालान कर दिए हैं। सीईओ सितारगंज हिमांशु शाह ने बताया कि सीपीयू द्वारा चलाए जा रहे यातायात सुरक्षा अभियान में 3 दिन ही पूरे हुए हैं, जिसमें लगभग 15 बुलेट मोटरसाइकिलें जिसमें राइड्रो साइलेंसर लगे थे, जिससे पटाखे चलाए जा रहे थे। ध्वनि प्रदूषण से लोगों को भारी परेशानी होती है, जिसके कारण 15 बुलेट मोटरसाइकिलें ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत सीज की गई हैं। वहीं लगभग 2 पहिया वाहन जो बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग तथा 3 सवारी आदि में चालान किए गए हैं। साथ ही 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने सहित लगभग 700 वाहनों के चालान 3 दिन पूरे होने तक काटे गए हैं। सीपीयू के नगर में आने से अच्छी पहल है, इससे लोगों में सड़क में चलने के नियमों की जानकारी मिलेगी। साथ ही हेलमेट पहनने से 2 पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भी कमी आएगी, क्योंकि सिर में चोट लगने से ही अधिक 2 पहिया वाहन चालकों की मौत होती है। साथ ही 4 पहिया वाहन चालक भी सीट बेल्ट लगाकर सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। सीपीयू के द्वारा और सितारगंज पुलिस के द्वारा 3 दिन के अंदर अभी निरंतर जारी रहेगा। लोगों से अपील है कि वो अपना हेलमेट जो वाहन चलाते समय एपिलियन राइडर भी पहने और जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो भी पहने, क्योंकि इससे दुर्घटना में कमी आएगी, क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटनाएं हेड इंजरी से होती हैं। आपका हेड सुरक्षित है तो समझिए आप सुरक्षित हैं।